जय द्वारकाधीश। दोस्तों, मैं हेमलता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे, जिसका नाम है हेमलता यादव। और आज है विश्वकर्मा जयंती, तो आप सबको विश्वकर्मा जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम लोग तो शाम में पूजा करेंगे, क्योंकि ये जब आएंगे शाम में ड्यूटी करके बाइक वाइक धोएंगे, तो फिर वो हर एक बार शाम में ही पूजा करते हैं। और आज जीतिया का नहाए खा भी है, तो मैं अभी अपने लिए चाय बना ले रही हूँ, क्योंकि आज खाने में कुछ ज़्यादा ही चीज़ें बनानी पड़ती है, और वो सब पहले मैंने निरेठ निकालना पड़ता है जो मैंने हम देते हैं जी मुहूर्त वाहन भगवान की जो पूजा होती है जीवतिया में। तो कल उपवास है और आज हम नहाए खाए का सब खाना बनाना पड़ता है, तो ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं अभी एक कप चाय पी लूँगी। मेरी तबीयत तो ऐसे भी तीन दिन से जयदीप को बुखार आ रहा था, तो उस वजह से मुझे भी बुखार आ जाता है जब भी जयदीप या ज्योतिका को बुखार आता है, तो तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन यहाँ पे मैं अकेली ही हूँ, तो ये सब काम मुझे ही करना है, तो लगता है काश कोई हेल्प करने के लिए होता। और पिछले साल तो मैंने शुरू किया था, तब मैं ससुराल में थी, तो वहाँ पे मुझे तो कुछ नहीं करना पड़ा था, क्योंकि बाबू भी छोटा था, और तब तो सासू माँ जी, ठानी जी, ननन जी सब थी, प्रतिमा भी थी, तो सारा काम वही लोग ने किया था। मुझे तो उतना ज़्यादा समझ नहीं आता था, तो मैंने बस देखा था वो लोग कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं, तो उसी तरह से मैंने सब याद कर करके मैं इस बार करने की कोशिश करूँगी। इस बार मैं बिल्कुल अकेली हूँ, तो चलिए आप सब लोग भी मेरे साथ चाय पी लीजिए और वीडियो को आगे देखिएगा। आगे भी मैं आज अपना यही किचन वाला ब्लॉग लगता है कि मैं कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि जितनी भी सब्जी वब्जी वो सब मैं बनाऊँगी, वो सब आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो अभी मेरी चाय बन जा रही है, जयदीप उठ चुका है, अभी क्या देखना है, बोलो बोलो बोलो, बोल देना बेटा, बोल दो तो क्या करना है, बोल दो बोल दो बोल दो। दोस्तों मेरी चाय बन चुकी है, दोस्तों देखिए मेरी चाय बन गई है, और चलिए आप भी मेरे साथ चाय पी लेते हैं। और देखिए जयदीप उठ चुका है ना बेटा, हाँ बोलो कि आप क्या कर रहे हो, बोलो 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 क्या देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो, मोगली, तो जयदीप मोगली देख रहा है। जयदीप उठ चुका है और अब मैं उसके लिए दूध बना देती हूँ। बना के जयदीप को दूध बना के पिला दूंगी, और फिर उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करूंगी। चलिए उसको पिलाते हैं उसका दूध। हटो जयदीप, मामा को बैठना दो। जयदीप दूध पी चुका है और अपना आराम से मोगली देख रहा है, वो भी मस्ती में है। और अब जयदीप का नाश्ता चल रहा है, ज्योतिका को भी आज स्कूल में यही बना के दिया था, जयदीप शांति से नाश्ता कर रहा है अपना। अब मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी, और आज मुझे खाना बना के कुछ ज़्यादा ही तैयारी करनी थी, तो हमारे यहाँ पे जैसे गिनती की 5 सब्जी 7 सब्जी, आप जितनी ज़्यादा बना सकते हैं वो बनाना पड़ता है। और अब मैं यहाँ पे सबसे पहले दाल चढ़ा दे रही थी, क्योंकि दाल कुकर में पकती रहेगी, तब तक मैं अपनी सब्जियाँ काटती रहूँगी, क्योंकि आज मेरे को ढेर सारी सब्जी काटनी थी। ऐसे नियम है कि जैसे 5 सब्जी बनानी, तो अब मैं 5 अलग अलग तो नहीं बनाने वाली थी, मैंने नेनुआ, झींगी छोटी बड़ी वाली जो सब कुतियाँ होती है वो, और आलू टमाटर चना ये सब एक मिक्स करके सब्जी बनाई थी।
और मैंने दूसरी सब्जी बनाई थी जैसे लौकी की, उसमें थोड़ा सा चना डाल दिया था उसमें भी, और नोनी वाला साग। और तीसरी सब्जी बनाई थी कांदा की, उसमें भी मैंने नोनी वाला साग डाल दिया था, क्योंकि पिछले साल तो मैंने ससुराल में किया था जीतिया, तो वहाँ पे तो नोनी का साग भी बना था अलग, लेकिन यहाँ पे तो मेरे को उतना ज़्यादा नोनी नहीं मिला था, बस थोड़ा सा मिल गया था। तो विधि करने के लिए नोनी ज़रूरी होती है डालना, नोनी और मड़ुआ ये दोनों जीतिया में मेन मैंने हमारे घर पर ज़रूरी होता है, तो वही मिल गया था। तो मैंने ऐसे ही सब मिक्स करके तीन सब्जी बनाई थी। जीतिया का फास्टिंग भी 24 घंटे का होता है, वो भी निर्जला ही करना पड़ता है, जैसे तीज में निर्जला करते हैं। तीज में होता है कि हमें मैंने नहाए खाए के दिन या पारण के दिन इतना सब कुछ नहीं बनाना पड़ता है, अपने मर्जी के हिसाब से हम बना सकते हैं। लेकिन जीतिया में मुझे इसलिए सच में बहुत भारी लगता है, सोच सोच के मुझे बहुत ज़्यादा ही थकान हो रही थी, क्योंकि एक तो बाबू को भी साथ में देखना था और ये सब कुछ अकेले बनाना था। हाँ, ज्योतिका के पापा ने जैसे वो आ गए थे ड्यूटी से, तो मैंने बोला थोड़ा सा वो कांदा उन्होंने काट दिया और लौकी, ये दो सब्जी उन्होंने काट दी, तो मुझे हेल्प मिल गई। क्योंकि मुझे वैसे भी कांदा काटना, उसका वो छीलना, क्योंकि वो बहुत ही खुजली करता है हाथों में, तो इस वजह से मैं ऑल भी नहीं छीलती और उसको भी नहीं छीलती, तो उन्होंने ये कर दिया तो मुझे उतना सा राहत मिल गया। और जितना मैं आज सब बना रही हूँ वो तो कल तो दिन भर फास्टिंग है, कुछ नहीं करेंगे, बस शाम में पूजा करना है जीतिया का। परसों सुबह पारण 6 बजे के बाद है सोमवार को, लेकिन उसका खाना भी तो 4 बजे से ही उसमें लगना पड़ेगा तैयारी करने में, क्योंकि जैसे आज खाना बना के मैंने दिया है झिंगी के पत्ते पे जो दिया जाता है, ऐसे ही मैंने पारण के दिन भी पहले जो जो हम बनाएंगे वो सब। और उस दिन हमारे में एक और होता है जैसे कि कुसी केरा होता है, वो चना चावल का दाना, फिर खीरा का बीज और छोटी वाली झींगी जिसको सतिया पुतिया बोलते हैं उसका बीज, ये सब हम लोग जैसे कच्चे दूध से मैंने निगलते हैं, नोनी और तुलसी का पत्ता भी पानी के साथ उसको सीधे घोट जाना होता है, ये सब हम भी घोटते हैं और वो झिंगी वाले पत्ते पे भी ऊपर देने जाते हैं, साथ में जितना खाना बनेगा वो सब भी देना पड़ेगा, तो इसलिए ये सब मुझे मैंने सोच के मैं ज़्यादा ही थक जाती हूँ, और करना भी बिल्कुल खुद अकेले ही पड़ता है, इस वजह से ये वाला मुझे कुछ ज़्यादा ही मैंने लगता है, क्योंकि फास्टिंग में मैं तो नॉर्मल दिन में भी ज़्यादा जल्दी थक जाती हूँ, उतना काम नहीं कर पाती, लेकिन यहाँ मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, बस करना ही था तो करना है तो कर रही हूँ मैं। और बहुत थकान लगती है किचन में ऐसे ही काम करते करते, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, गर्मी से भी हालत ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ये सबके घर में अलग अलग रीति रिवाज होता है, सब कोई अपने हिसाब से करता है। तो दोस्तों अगर ये सब कुछ देखना आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं अब आलू काट ले रही हूँ और यहाँ ज्योतिका के पापा कांदा काट रहे थे, वही वो बार ये दो मेरे से बर्तन मांगते रहते हैं, वो हेल्प तो करते हैं लेकिन उतना ही उनके साथ मैंने उनको समझाना मेरे को ज़्यादा मुश्किल लगता है, उसे लगता है खुद अकेले ही कर लो, क्योंकि एक तो आपको फास्टिंग करना है तो ये काम के चक्कर में ये हाँ थोड़ा सा गुस्सा आता है ज़्यादा, तो आपको गुस्सा भी नहीं करना है, हालत में ये सबसे पहले ध्यान रखा जाता है। और मैंने उनसे कहा था कि आप तेल लगा लीजिए क्योंकि खुजली होगी, तो उनको उतना मेरी बात मानने की तो आदत है नहीं, तो थोड़ा सा ही लगाया और फिर बोल रहे थे कि हाँ मैंने सच में खुजली हो रही है, तो इसलिए मुझे हंसी आ रही थी कि पहले तो आप मेरी बात सुनते नहीं हैं, और फिर जो वही हुआ ना कि जो मैं बोल रही थी इसलिए मैं इन पर हंस रही थी।
या हमेशा ही ऐसा ही करते हैं, मैं जो भी बोलती हूँ मेरी पैर कोई भी बात एक बार मेरी सुनते ही नहीं है। तो यहाँ पे ये कांदा कट चुका था और मैं उसी में नोनी डालूँगी, नोनी का अलग साग बनाने जितना था नहीं। तो ये नेनुआ वाली सब्जी मेरी बन रही है। और ये किचन इतना छोटा है ना, जैसे ही रूम छोटा है, रेलवे वाले जो भी इंजीनियर जो बना रहे थे, पता नहीं अक्सर रेलवे क्वार्टर यही देखने को मिलता है, किचन छोटा, रूम छोटा, और आसपास तो देखो तो इतनी सारी ज़मीन पड़ी रहती है। तो यहाँ मेरी लौकी भी कट चुकी थी, तो दोनों सब्जी उन्होंने ही काटी थी, और ये अरबी वाली सब्जी फटाफट बनाना है। और यहाँ पे मेरी दाल बन चुकी है और सब्जी भी मेरी चढ़ी हुई है। दोपहर का टाइम था और फिर इनको वापस 2 बजे ड्यूटी भी जाना था, इसके पहले मुझे सब कुछ करना था जल्दी फटाफट, तो इस वजह से मतलब मेरे पाँव में और थोड़ा सा दर्द हो रहा था, क्योंकि मैं जल्दबाजी में कुछ ज़्यादा ही मेरे को घबराहट होने लगती है। अभी मेरे को इतना सब कुछ बनाना बाकी था। और यहाँ पे देखिए मेरी अरबी की सब्जी मैं कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि ये कढ़ाई में अच्छे से नहीं पकती है, इसलिए मैं इसको कुकर में ही बना दूँगी। और यहाँ देखिए मेरी नेनुआ की सब्जी बन चुकी है, तो एक सब्जी बन गई, तो मैं लौकी की सब्जी भी बना दूँगी। यहाँ पे अरबी वाली सब्जी चढ़ी हुई है, अब लौकी की सब्जी बन रही थी। और इस वाले व्रत में ना इतना सब कुछ बनाना पड़ता है ना, ये अकेले बहुत भारी लगता है मुझे, साथ में कोई हेल्प करने वाला हो तो अच्छा लगता है। और ये सब कुछ पहले हम बना के जाएंगे झिंगी के पत्ते पे, मैंने देंगे, सब लोग अलग अलग बोलते हैं कौन किसको देता है, इसलिए मैं इसे हाँ जो भी मरवाला देव होते हैं उनको बोलते हैं, उन्हीं को डालने जाते हैं। तो यहाँ मैं चावल अब बना लूँगी, और ये है ये अरबी वाली सब्जी मेरी बन गई है, और ये ज़्यादा ही गल गई थी, लेकिन मुझे गली हुई ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अब ये मेरा ये भी हो गया। और दोस्तों मेरे YouTube पे 105 सब्सक्राइबर हो गए हैं, यानी मैंने अपनी फर्स्ट सेंचुरी लगा ली है, तो आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू। तो मुझे आगे और ज़्यादा सपोर्ट करिए। और ये देखिए मेरी लौकी की सब्जी बन चुकी है, और आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा तो मैं बहुत जल्द ही अपना ये YouTube का जो टारगेट एरिया है वो पार कर लूँगी। यहाँ मेरा चावल चढ़ गया है, और ये गेहूं वाला आटा है, और ये है मड़ुआ वाला आटा, तो रोटी भी बनानी है, और ये मड़ुआ की मेरे को लिट्टी बनानी है। और यहाँ चावल पक रहा है, मैंने तवा चढ़ा दिया था, ये देखिए आटा सन चुका है गेहूं वाला, और ये लिट्टी पहली गाय के लिए मैं हमेशा निकालती हूँ, पहली गाय की और लास्ट वाली कुत्ते की। तो अब ये मेरा पूरा खाना बन चुका है, क्योंकि सबसे लास्ट में मैंने ये रोटी बनाई थी, और ये मड़ुआ वाली लिट्टी है। तो यहाँ मेरा पूरा खाना बन चुका है, और अब मैं इसे झींगी के पत्ते पे पहले डालने जाऊँगी, और पानी भी साथ में देते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, और प्लीज़ मुझे आगे बढ़ने में सपोर्ट करिए।
तो यहाँ मेरा ये वाला जो दिन वाला था ये विधि ये तो हो चुका है। अब शाम में पुआ भी बनेगा, तो अब दोपहर बाद ये सब साफ सफाई करके मुझे उसकी तैयारी करनी है। तो ये वीडियो इतना ही रखती हूँ दोस्तों। जय द्वारकाधीश।